अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम क्लास 11 से जो आप लोगों का सेकंड चैप्टर है, आप लोगों का जो सेकंड चैप्टर सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जिंदा जानदारों का जो निज़ाम मरातिब है, इसके अंदर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन के पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन यानी निज़ाम मरातिब की इकाइयाँ। जैसा कि इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अलग अलग कैटेगरीज़ यहाँ पे आप लोगों को दी गई है। सबसे बड़ा होता है किंगडम, उससे छोटा होता है डिवीज़न या फाइलम, उससे छोटी होती है क्लास, क्लास से छोटी होती है सब क्लास, सब क्लास से छोटा होता है सीरीज़, सीरीज़ से छोटा है ऑर्डर, ऑर्डर से छोटा होता है फैमिली, फैमिली से छोटा होता है जीनस, और जीनस से छोटा होता है स्पेसीज़। तो ये सब जो है वो कैटेगरीज़ यहाँ पर आप लोगों को दी गई है। अब आप लोग ये याद रखें कि स्पेसीज से मिलकर क्या बनेगा, जीनस, जीनस से मिलकर क्या बनेगा, फैमिली, फैमिली से मिलकर क्या बनेगा, ऑर्डर, ऑर्डर से मिलकर क्या बनेगा, सीरीज, सीरीज से मिलकर क्या बनेगा, सब क्लास, सब क्लास से मिलकर क्या बनेगा, क्लास, क्लास से मिलकर क्या बनेगा, डिवीज़न, और डिवीज़न से मिलकर क्या बनेगा, किंगडम। इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे तो सबसे छोटी यहाँ पर जो बुनियादी इकाई हमें नज़र आ रही है वो होती है स्पेसीज। स्पेसीज को उर्दू में नू कहते हैं। तो स्पेसीज के बारे में पॉइंट क्या है कि ये जमातबंदी की बुनियादी इकाई है, ये जमातबंदी की बुनियादी इकाई है। एक नू से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जानदार अपनी खसूसियात और अफ़ाल के लिहाज से यकसा होते हैं। यानी हमें पता है कि एक नू से जितने भी जानदार होंगे उनकी खसूसियात और उनके अफ़ाल जो है वो एक होंगे, और तौलीदी अमल के ज़रिए अपने किस्म के जानदार वो पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पे जो है वो है पोटैटो, पोटैटो यानी के आलू, जिसे हम क्या है सोलैनम ट्यूबरोसम कहते हैं। तो इनकी नू क्या हो जाएंगी, ट्यूबरोसम, इनकी नू क्या हो जाएंगी, ट्यूबरोसम। इसके बाद होता है जीनस, जीनस एक जैसे अनवा यानी एक जैसी स्पेसीज। अब स्पेसीज से मिलकर क्या बना है, जीनस बना है, तो वही कह रही हूँ मैं, एक जैसे स्पेसीज या नू की जमा अनवा, एक जैसे अनवा जो यकसा खसूसियात रखते हैं उन्हें जीनस इस दर्जे में रखा गया है। अनवा की तौलीदी खसूसियात में मुतशाबहत को ध्यान में रखकर जीनस बनाई गई है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल में हिबिस्कस नज़र आ रहा है, हिबिस्कस यानी कि जासवंती जो है, तो इसकी जो जीनस क्या हो गया है, हिबिस्कस हो गया है, और स्पेसिस क्या है इसकी, रोज़ा साइनेंसिस। अब जीनस के बाद बढ़ते हैं कि जीनस से मिलकर बनती है फैमिली, फैमिली यानी कि ख़ानदान। तो जो जीनस का जो है ग्रोह, जो एक दूसरे से करीबी मुशाबहत रखते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, जनरा लाइक हिबिस्कस हुआ है, गॉसिपियम है, साइडा है, बॉम्बेक्स है, ये सब को सब सेम फैमिली मालवेसी में रखा जाता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कैट यानी कि बिल्ली कौन सी फैमिली में है, लियोपर्ड्स है, टाइगर है, लॉयन है यानी कि बिल्ली है, शेर है, चीते हैं, ये सब कौन सी फैमिली में रखे गए हैं, फैलिडी। बट डॉग्स बिलोंग टू द डिफरेंट फैमिली कैनिडी। यानी कि हर एक जो जीनस है इनका ग्रोह जो एक दूसरे से करीबी मुशाबहत रखता है उन्हें हम एक फैमिली में, एक ख़ानदान में रखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर को बोलते हैं कॉर्ट। इट तो ये क्या होता है, ऐसा ग्रोह जिसमें कई ख़ानदान यानी कि बहुत सारी फैमिलियाँ, फैमिलीज़ एक दूसरे के करीबी ताल्लुक़ में आते हैं और बड़े नुमाया वाज़े मुशाबा खसूसियात ज़ाहिर करते हैं, उन्हें ऑर्डर में यानी सिलसिले में रखा गया है। तो ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, सिलसिला कहते हैं। जैसे कि जो फैमिली है जिसका नाम यहाँ पर बताया गया है, पेपावेरेसी, ब्रैसिकेसी, कैपेरिडियसी, ये जो है इनके अंदर पैराइटल प्लांसेंटेशन होता है, और फैमिलीज ऑफ डॉग्स, कैट्स, ये अलग अलग होते हैं, लेकिन इनका जो ऑर्डर है वो है
कार्निवोरा, कार्निवोर्स यानी कि ये गोश्त खोर हैं। उसके बाद जो है ऑर्डर के बाद आता है क्लास। ऑर्डर के बाद क्या आता है? क्लास। अब ये जो छोटे छोटे आप लोगों को कैटेगरी हैं वो नहीं दिए गए हैं, डायरेक्टली आप जो है ऑर्डर के बाद जो है वो क्लास पर आ जाएंगे। क्लास को जमात कहते हैं। सिलसिले का मुख्तलिफ जमातों का ग्रोह है, यानी कि बहुत सारे जो है सिलसिले मिलकर, सिलसिले यानी कि ऑर्डर से मिलकर क्या बनती है? क्लास बनती है। अ ग्रुप ऑफ हायर टेक्सोनॉमिक रैंक देन ऑर्डर। क्लास इज़ द असेंबलेज ऑफ क्लोजली अलाइड ऑर्डर। जैसा कि ऑर्डर है कार्निवोरा और जो दूसरा ऑर्डर है प्राइमेट्स, इन्हें कौन सी क्लास में रखा गया है? मैमेलिया में रखा गया है। और मंकीज़, गोरिला, गिबन्स एंड डॉग्स, कैट, टाइगर्स, ये सब एक ही क्लास में रखे गए हैं। तो यहाँ पर हमने क्लास देखा। उसके बाद हम डिवीज़न देखेंगे, फाइलम उर्दू में जिसे हम ज़मरा कहते हैं। तो द डिवीज़न इज़ अ कैटेगरी कंपोज्ड ऑफ रिलेटेड क्लास, यानी क्लास से मिलकर क्या बनता है? डिवीज़न बनता है। यानी कि ज़मरा या डिवीज़न एक ऐसा दर्जा होता है जिसमें करीबी ताल्लुक़ रखने वाली जमातें होती है। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल, एंजियोस्पर्मी इंक्लूड टू क्लासेस। एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनकी दो क्लासेस हैं, एक है मोनोकॉटिलेडोनी, दूसरी है डाईकॉटिलेडोनी, यानी एक दाला और दो दाला जिसे हम कहते हैं। इन दोनों जमातों को काय में रखा गया है, कौन से ज़मरे में रखा गया है? आप देख सकते हैं एंजियोस्पर्म में रखा गया है। उसके बाद हम देखेंगे सब किंगडम। सब किंगडम के अंदर जो है इसे हम ज़ैली आलम कहते हैं। सब किंगडम को क्या कहते हैं? ज़ैली आलम कहते हैं। डिफरेंट डिविजन्स हैविंग सम सिमिलैरिटीज़ फॉर्म सब किंगडम्स। मुख्तलिफ किस्म के ज़मरे चंद यकसा खसूसियात रख कर ज़िमनी आलम बनाते हैं। मसलन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, यानी बखुल बीजा और बंद बीजा, इन दोनों ज़मरों को हमने जोहरावी पौधे यानी फेनरोगैम्स में शामिल किया है। फेनरोगैम्स के अंदर तमाम बीज पैदा करने वाले पौधे होते हैं। उसके बाद आता है हमारा किंगडम। किंगडम यानी कि आलम होता है। सबसे बड़ा जमात बंदी का आखिरी और आला दर्जा है। इसमें मुख्तलिफ ज़िमनी आलम का शुमार होता है। मसलन जहरावी पौधे, गैर जहरावी पौधे, इन दोनों ज़िमनी आलम को आलम नबतात प्लांटी में रखा गया है, जबकि हैवानात को आलम हैवानात एनिमालिया में रखा गया है।